हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं अभी फिर से नए रेसिपी के साथ। तो दोस्तों, आज मैं पुलाव बनाया है। तो पुलाव तो दोस्तों आपने बहुत तरह के खाए होंगे और काफ़ी टेस्टी खाए होंगे। तो आज मैंने बहुत ही टेस्टी, जो कि चिकन लीवर पुलाव है, जिसे हम चिकन कलेजी पुलाव भी बोलते हैं, तो मैं लेके आया हूँ। और ये बहुत ही टेस्टी है दोस्तों। और इसे मैंने सिर्फ काली मिर्च पाउडर के साथ बनाया है, और इसे बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों। तो आइए आज मेरे स्टाइल में चिकन लीवर पुलाव बनाते हैं। और दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आइए मेरे स्टाइल में चिकन लीवर पुलाव बनाते हैं। तो दोस्तों, कलेजी पुलाव के लिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ कलेजी लिया है, जो कि हमारे पास हाफ के जी मुर्गे के कलेजी है, और इसे मैंने अच्छे खासा धोकर और पीसेस कर लिया है। तो कलेजी के बाद यहाँ देखिए, हमने यहाँ चावल को, जो कि हमारा 1 कप है, और ये आप अपने अनुसार चावल ले सकते हैं। मैंने इस कप से 1 कप बासमती राइस ले रखा है, और इसे मैंने भिगोने के लिए आधा घंटा पहले छोड़ रखा था। मैंने यहाँ एक प्याज काट लिया है बड़े साइज का, और यहाँ देखिए मैंने 6 हरी मिर्च लिया है, 4 लहसुन की कली, 100 ग्राम हमारे पास यहाँ बटर है, और कुछ साबुत मसाले, खड़े मसाले जो छौंकने के लिए है जो पुलाव में। तो सबसे पहले तो मैंने 2 लाल मिर्च लिया, यहाँ 4 लौंग है, 4 लौंग, 3 मैंने यहाँ छोटी इलायची लिया। मेरे पास बड़ी इलायची नहीं है, तो आप बड़ी इलायची अगर आपके पास है तो ले सकते हैं। मैंने यहाँ दालचीनी और 5-6 तेज़पत्ता लिया है, यहाँ 10 से 15 मैंने काली मिर्च लिया, और जीरा 1 टेबल स्पून, मैंने यहाँ 1 नींबू का रस लिया है, और हींग। तो आइए सबसे पहले तो हम कढ़ाई लेते हैं दोस्तों। और कढ़ाई में हम क्या करेंगे कि कढ़ाई में हम हल्की सी तेल डालेंगे, और उसके बाद जो हमारा बटर है वो। तो दोस्तों, मैंने यहाँ देखिए, मैंने कढ़ाई में ऑलरेडी तेल डाल दिया है, अब मैं बटर को भी डाल देता हूँ, जो कि हमारा 100 ग्राम बटर है। अब इसे डालने के बाद हम तुरंत जस्ट जो हमारे पास साबुत मसाले हैं उसे डाल लेते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए हमने साबुत मसाले को डाल दिया है, और साबुत मसाले डालने के बाद इसे चला लेते हैं, क्योंकि अगर हम बटर का इंतज़ार करेंगे मेल्ट होने का तो काफ़ी टाइम लग जाएगा दोस्तों, और फिर उसके बाद बटर कुछ उड़ भी जाती है, वेपराइज हो जाएगी, तो उससे पहले हम वो मेल्ट होते रहेगी और ये पकते रहेगी। तो आइए, इसीलिए हमने यहाँ तेल भी डाला है, और अगर आप डायरेक्ट बटर डालते हैं तो वो वेपराइज बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आप इसमें बटर के जगह पे घी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे डालने के बाद दोस्तों, अब हम अपना जो हरी मिर्च और लहसुन है उसे भी डाल देते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है, मैंने हरी मिर्च ज़्यादा यूज़ किया है, क्योंकि मैं इसमें मसाला किसी तरह का यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं मसाला इसमें डाल देता हूँ दोस्तों तो बिरयानी हो जाएगी, पुलाव नहीं रहेगी, तो इसलिए मैंने यहाँ हरी मिर्च का यूज़ किया है तीखापन के लिए। बस मैं हल्की सी काली मिर्च का यूज़ करूँगा। तो इसे 1 मिनट हम पका लेते हैं, और 1 मिनट के बाद हम इसमें हमारा जो प्याज है उसे डाल देंगे। तो दोस्तों, 1 मिनट हो चुका है, अब आइए मैं क्या करता हूँ, प्याज डालने से पहले हींग डाल देता हूँ, और हींग आप 1 पिंच डालें या 2 पिंच डालें, ये आपका हींग के ऊपर है, क्वालिटी अगर अच्छा है तो उसी की निकालिए। तो आइए, अब मैं इसमें हींग डालने के बाद इसमें अब हम जो हमारा प्याज है उसे डाल लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ प्याज डाल दिया, प्याज को करते हैं लाल, मींस गोल्डन ब्राउन, और हम इसे ज़्यादा जलाएंगे नहीं, बस गोल्डन ब्राउन ही करेंगे। तो आइए प्याज को गोल्डन ब्राउन करते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए हमारा जो प्याज है वो गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है, हम इसे ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर ज़्यादा कर देंगे तो ये मेल्ट हो जाएगी। तो आइए, इस टाइम हमारा जो कलेजी है लीवर को डाल देते हैं, और लीवर को डालने के बाद दोस्तों हम इसे फ्राई करते हैं, कम से कम 5 मिनट हम फ्राई करेंगे लीवर को हमारे जो ऑयल है उसके साथ। तो दोस्तों, कलेजी डाले हुए हमारा 5 मिनट हो चुका है। तो आइए अब बात करते हैं मसाले की। तो मसाले हम इसमें 1 टीस्पून, मैंने 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर लिया है, और स्वाद अनुसार नमक,
और यहाँ मैंने 2 पिंच गरम मसाला लिया है, बाकी और मसाले नहीं डालेंगे। तीखा करने के लिए आप हरी मिर्च या ये चीज़ें अगर आप चाहते हैं तो डाल सकते हैं, बट वो पुलाव नहीं हो जाती दोस्तों, वो हो जाती है बिरयानी अगर हम ज़्यादा डालते हैं। तो आइए इसे 2 मिनट और पकाएंगे, फिर उसके बाद हम 2 मिनट के बाद पानी डाल के हमारा चावल को डालेंगे। तो दोस्तों मसाले डाले हुए हमारा 2 मिनट हो चुका है, तो आइए अब हमारा जो चावल है चावल को डालते हैं। और चावल को डालने के बाद दोस्तों अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो पानी का अंदाज़ आपको मालूम है दोस्तों कि जितना हम पुलाव में बस डबल डालते हैं, मीन्स अगर आपने चावल यूज़ किया है 1 कप तो आप उसी कप से 2 कप पानी डालिए ताकि आपका फ्रेश चावल निकलेगा। नहीं तो अगर आप कम करते हैं तो कच्चा निकलेगा, ज़्यादा करते हैं तो वो आपकी चावल गीला निकलेगी। और दोस्तों पानी आपके चावल पे भी डिपेंड करते हैं, जैसे मैंने पुलाव के लिए यहाँ बासमती यूज़ किया है, आप चाहे तो कोई और यूज़ कर सकते हैं। तो अगर जैसे सोना चोर या फिर और भी बहुत तरह का है, एक जीरा राइस आती है छत्तीसगढ़ में, बहुत तरह के चावल हैं, अगर आप वो यूज़ करते हैं तो आप अपने अनुसार चावल ज़रूर देख लीजिए कि पानी कितना लगेगा। तो आइए मैं अब इसमें डबल पानी डालता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए मैंने पानी डाल दिया है, अब आप चाहें तो इसके ऊपर से धनिया पत्ती डाल सकते हैं या फिर कसूरी मेथी डाल सकते हैं या आप चाहें तो मिंट भी डाल सकते हैं। तो आइए मैं सूखा हुआ मिंट पुदीने सूखे हुए पुदीना डाल देता हूँ इसमें, जो कि मुझे बहुत पसंद है दोस्तों पुदीना। अगर आपको धनिया पत्ती पसंद है तो आप धनिया पत्ती डालिए, अगर आपको कसूरी मेथी पसंद है तो कसूरी मेथी, ये तीनों का अच्छा है कॉम्बिनेशन, आप इनका तीनों का अलग ही अपना अपना फ्लेवर है। तो आइए मैं इसमें जो हमारा पुदीने की सूखी पत्ती है उसे डालकर इसे मैं पका लेता हूँ। तो आई थिंक हमें पकने में 15 से 20 मिनट लग जाएगा मीडियम फ्लेम पे, तो मिलते हैं दोस्तों 15 से 20 मिनट के बाद। तो दोस्तों ये देखिए हमारा पुलाव रेडी हो चुका है। तो दोस्तों मैं पुलाव में आपको एक चीज़ को मैंने नहीं दिखा पाया, जो कि हमारा नींबू का रस था, तो मैं उसे दिखाना भूल गया, हालांकि मैंने इसमें डाल दिया है। तो आप चावल के बाद जब पानी डालें उसके बाद नींबू का रस डालें। नींबू के रस से हमें यह फ़ायदा है दोस्तों कि ये चावल को एक दूसरे से सटने नहीं देता, अलग अलग होने देता रहने देता है। तो देखिए हमारा चावल एक दूसरे से अलग है, हालांकि इसमें मैंने ज़्यादा ही आज क्या बोलते हैं बटर डाल रखा था तो ऑयली है। तो आइए अब मैं इसे डिसआउट कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए हमारा जो कलेजी पुलाव है वो बन के रेडी हो चुका है और ये काफ़ी बेहतरीन बना है दोस्तों, और इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो आइए आज मेरे स्टाइल में ज़रूर बनाइए कलेजी पुलाव, जो कि बनाना बहुत आसान है दोस्तों, और बना कर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये जो पुलाव है कलेजी की आपको कैसी लगी। तो आप चाहें तो मटन का भी कलेजी ले सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमेशा बोलता हूँ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।